भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम साय ने कहा कि भाजपा का संकल्प भारतीय लोकतांत्रिक के भरोसे विश्वास बहाली के साथ भारत के भविष्य का सुनहरा रोड मैप है। हमारा ये संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने संकल्प जारी किया था, जो पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था, जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये संकल्प पत्र में जो है वो कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में देश की जनता से किए वादे को पूरा किया है। मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है और मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है और आजादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी में पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पत्र में हमारे दोनों बार के जो संकल्प थे देश की जनता से उसको पूरा हुआ है। सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा अक्षरशः किया है प्रयास और पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और अभी जो 2024 का ये संकल्प पत्र है इसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं। इसमें तो एक तो 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी वर्ग के या उनका आय जैसा भी है वो सब आयुष्मान भारत में शामिल हो रहे हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक की उनको मुफ्त में इलाज उनका होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ पक्का का घर गरीबों का बन चुका है और इस संकल्प पत्र में 3 करोड़ और बनाने का वादा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा पहुंचाया, उसी तरह से अब गैस, सस्ता गैस भी पाइप द्वारा हर घर में पहुंचाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में है। और करोड़ों परिवारों को मुफ्त में बिजली, पीएम सूर्य योजना, लोग अपने घरों में
सौर ऊर्जा का प्लेट लगाएंगे और घर में बिजली का उपयोग करेंगे जो कि मुफ्त होगा, और ज़्यादा अगर एनर्जी सौर ऊर्जा का होता है तो उसको सरकार को बेच भी पाएंगे, तो इस तरह से एक इनकम का जरिया भी होगा। इस पर भी 2024 के संकल्प पत्र में विशेष जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्ष में करोड़ों लोगों को समृद्ध बनाने का काम किया गया है। मुद्रा योजना लागू था जिसमें लोन की एक सीमा थी 10 लाख का, उसको अब बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इससे अब और ज़्यादा हमारे युवा लोग लाभान्वित होंगे, और विशेषकर 2024 के इस संकल्प पत्र में और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके उत्थान के लिए भी विशेष जोर 2024 के इस संकल्प पत्र में दिया गया है। उनको कैसे आगे आर्थिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस पर पूरा फोकस 2024 के इस संकल्प पत्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी जी पूछते हैं, उसकी मोदी जी पूजा करते हैं, और यही उनका जो ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पत्र की ये आत्मा है। और दिव्यांगों पर भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र पर है। एक तो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ही उनको सम्मानजनक मतलब दिव्यांग कहा, और उनके लिए भी फोकस किया गया है। और ट्रांसजेंडर साथियों का भी विशेष पहचान आने वाले समय में होगा, और उनका भी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगा, और उन्हें भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाने का संकल्प ये 2024 के संकल्प पत्र में है। और नारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं आज स्वसहायता समूह से जुड़कर आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी है। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है, और ये मोदी की गारंटी है। और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाने का इस संकल्प पत्र में फोकस है। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है, और किसानों के लिए हमने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में काफ़ी काम किए हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान भी खरीदे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को मतलब अच्छे से खेती कर पाए इसके लिए पूंजी मुहैया कराने का ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पशुपालकों के लिए भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र में है, और विशेषकर ज्ञान जिसको आप लोग सुनते आ रहे हैं, ज्ञान पर विशेष फोकस है इस संकल्प पत्र में। इसमें जी का मतलब है गरीब, जो देश के गरीब हैं उन पर विशेष फोकस होगा। और मैंने जैसे कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबों पर भी विशेष फोकस इस संकल्प पत्र में होगा। उसी तरह से वाई का मतलब यूथ, देश के जो यूथ हैं, और मुद्रा योजना का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है 10 लाख से 20 लाख, इससे निश्चित रूप से और भी कई योजना इससे युवाओं पर फोकस किया जाएगा। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं इसके लिए भी बहुत फोकस है 2024 के इस संकल्प पत्र में। और एन का मतलब है नारी, नारी पर विशेष फोकस